पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अलग डाइनिंग वाली सियासत का कार्ड खेला है। राज्य के 70% से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों वाले स्कूल्स में अलग डाइनिंग को लेकर विवाद गहरा हो गया है। ममता जहां इसे तकनीकी मामला बता रही हैं, वहीं विरोधी इसे बांटो और वोट लो वाली सियासत बता रहे हैं। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अलग डाइनिंग हॉल पर घिरी ममता बनर्जी। राज्य के 70% से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों वाले स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी। फैसले के बाद बीजेपी ने कहा, ममता धार्मिक आधार पर बंटवारा कर रही हैं। कूचबिहार के जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग से अलग डाइनिंग पर जानकारी मांगी। बंगाल की ममता सरकार ने इसे तकनीकी मामला बताकर पल्ला झाड़ा। ममता सरकार पर मजहब के आधार पर स्कूलों में योजना चलाने का आरोप। जय श्री राम के नारे पर भड़कने वाली ममता बनर्जी एक बार फिर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप से घिर गई हैं। ममता सरकार ने उन स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनवाने का फैसला किया है जहां 70% से ज्यादा अल्पसंख्यक यानी मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। सरकार की सफाई ये है कि ये योजना स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की है, जिसके तहत अल्पसंख्यक मंत्रालय से फंड लेना है। हालांकि विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। स्कूल में आप धर्म के नाम पे बंटवारा आप क्यों कर रहे हैं? भारतवर्ष में अगर कोई सांप्रदायिक राजनीतिक है तो ममता बनर्जी से बड़ा सांप्रदायिक और कम्युनल राजनीतिक कोई नहीं है, और सब मानते हैं बंगाल में उसका पूरा जमीन जो है घटिया पॉलिटिक्स करके ममता बनर्जी उसकी जमीन बना चुकी है। आगे जो है हमारे लिए वो काम कर रही है। खाने की जगह नहीं है, इसलिए हम तो सर्कुलर दिया। जो स्कूल 70% छात्र लोग हैं, हम इमेजी पोकर पर मिड डे मील के लिए, हम रन्ना घर खाने के लिए सब कुछ बना देंगे। ये शुद्ध मुस्लिम के नहीं, स्कूल के छात्र हर सब स्कूल सब छात्र छात्र खाएगा। तो सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए है। उन लोग को सीखने बोलिए, हम लोग को चीफ मिनिस्टर हर चीज तो ममता बनर्जी के लिए कैसे स्टेट चलाते हैं, कैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके चलते हैं। वहीं टीएमसी के सांसद नुसरत जहां कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं, लोगों को उनका सिंदूर और मंगलसूत्र रास नहीं आ रहा है। जवाब में बीजेपी नेताओं ने भी बयान दे दिया और अब ये मामला गर्मा गया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के सिंदूर और मंगलसूत्र पर सवाल, प्राची ने किया बचाव। यूपी के देवबंद में धर्मगुरु ने नुसरत की शादी को शरीयत के खिलाफ माना। देवबंद के धर्मगुरु ने कहा, मुसलमान सिर्फ मुसलमान से ही शादी कर सकता है, किसी गैर से नहीं। देवबंद से साध्वी प्राची का सवाल, हिंदू लड़की बुर्का पहने तो जायज, मुस्लिम लड़की सिंदूर लगाए तो गलत कैसे? देवबंद के धर्मगुरु ने कहा, सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने की इजाजत शरीयत में नहीं है। बीजेपी ने कहा, मुस्लिम महिला हिंदू से शादी करती है तो वो क्या पहने ये उसका निजी फैसला। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां पर देवबंद के मौलवी के सवाल पर बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर मंगलसूत्र पहनती है तो अगर वो गलत है तो फिर लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़की बुर्का पहने तो वो जायज कैसे? इस पर देवबंद के मौलवी ने भी साध्वी प्राची पर निशाना साधा, जबकि देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि नुसरत जहां पर गैर मुस्लिम से शादी करना और सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना शरीयत के खिलाफ है। बारे में मालूम हुआ मीडिया के माध्यम से कि वो लोकसभा पहुंची हैं, तो उसमें उन्होंने सिंदूर भी लगाया हुआ था और मंगलसूत्र भी उनके गले में था। तो तहकीकात से मालूम हुआ कि उन्होंने जैन धर्म के अंदर शादी की है। इस्लाम का नुक्ता नजर और इस्लाम ये कहता है कि एक मुसलमान सिर्फ एक मुसलमान से शादी कर सकता है, किसी गैर से नहीं। मेहंदी लगाई, सिंदूर लगाया नुसरत जहां ने, अरे मौलवियों तुम हिंदुस्तान की लाखों बच्चियों को लव जिहाद में फंसा करके उनको बुर्का पहनाते हो, क्या ये जायज है? साध्वी प्राची जी को उलमा के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी औरतें बेलगाम हैं, देश में आग लगाने की कोशिश करती हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए, मीडिया की वाहवाह लूटने के लिए वो इस तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी करती हैं और अपनी जबान से जहर उगलती रहती हैं। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद नुसरत जहां ने मंगलवार को संसद पहुंचकर सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण किया था। इस दौरान वे जब संसद पहुंची तो पारंपरिक अंदाज में नजर आईं। उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मंगलसूत्र पहन रखा था और माथे पर सिंदूर भी लगाया था, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा गया। वहीं दूसरी तरफ अब नुसरत कट्टरपंथी देवबंदी उलेमा के निशाने पर आ गई हैं। मैं मानता हूं इसकी निंदा होनी चाहिए। हर एक वैदिक व्यक्ति का अपनी
व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, उन व्यक्तिगत अधिकारों को हनन करने की किसी धर्म की या संप्रदाय की उनके पास इस प्रकार का अधिकार नहीं है। राजनीति करते करते ये लोग भूल रहे हैं कि हम लोग राजनीति में आते हैं जनता की सेवा करने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए राजनीति में आते हैं। ये राजनीति जनता के ऊपर चला गया है एक्चुअली।